हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। कैसे हैं फ्रेंड, उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं, अगर बिहार के किसी कॉलेज में आप नामांकन लेने वाले हैं, यानी कि बिहार बोर्ड में अगर आप इंटर में नामांकन लेने वाले हैं, तो कब से आपका अप्लाई होगा, कौन कौन सा उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा कॉलेज चूज करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी हम एक एक करके क्लियर करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बता दूँ आप सभी को कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के किसी भी कॉलेज में आप इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको OFSS की वेबसाइट पर जाना होता है, जहां पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मेरिट लिस्ट फ्रेंड पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे करके आता है। जैसे मान लीजिए पहला में जिसका नाम नहीं आया दूसरा में आया, दूसरा में नाम नहीं आया तो तीसरा में आया। उसके बाद अगर तीसरा में भी नहीं आता है, अगर सीटें रिक्त रह जाती है, तो उसके बाद उस कॉलेज में जिस कॉलेज में जितना सीट खाली होगा उसमें स्पॉट एडमिशन होता है। तो फ्रेंड इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है। चलिए अगला स्टेप हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा आपका उसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड लगता है, बैंक का पासबुक लगता है, ईमेल आईडी लगता है जो चालू हो, फ़ोन नंबर लगता है, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, आपका CLC लगेगा, जाति लगता है, आय लगता है, निवास लगता है। तो फ्रेंड ये सभी डॉक्यूमेंट आपका और फोटो भी लगता है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपका लगता है इंटर में नामांकन कराने के लिए। चलिए फ्रेंड अब जानते हैं कि कितने कॉलेज चूज करने का ऑप्शन आपको मिलता है। फ्रेंड आपको बता दूं कि आपको 10 कॉलेज चुनने का मौका मिलता है। फ्रेंड आपको सबसे बड़ी जानकारी एक दे दूँ कि अगर आप जिस कॉलेज से 10th किए हैं, अगर उस कॉलेज में आपका इंटर की पढ़ाई होती है, अगर आप उसमें फर्स्ट प्राथमिकता देंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 कॉलेज चुनना होता है, अगर आप फर्स्ट प्राथमिकता अपने जिस कॉलेज से आप 10th किया है उस कॉलेज को देंगे, तो आपका उम्मीद है कि पहला लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। अगर कम नंबर रहता है उसके बाद भी आपका जो नेम है मेरिट लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में ही आने का चांस रहता है। ऐसे तो आप 10 कॉलेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप किसी भी कॉलेज को चुन सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें फर्स्ट प्राथमिकता दें, जो आपका 10th वाला स्कूल हो, अगर उसमें इंटर की पढ़ाई होती है तो आप उसी में देंगे, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड एक बात बता दूं, सभी की डिग्री उतना ही मान्य होती है, चाहे आप अपने गांव वाले कॉलेज से करें या कहीं बाहर वाले कॉलेज से करें, तो क्यों नहीं अपने गांव का जो कॉलेज है उसी कॉलेज में अपना एडमिशन कराएं। देखिए फ्रेंड सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नामांकन के लिए ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा। देखिए फ्रेंड, बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया था कि जून के प्रथम सप्ताह में आपका नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फ्रेंड आप सभी को मालूम है कि आज 6/6/2022 है, उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका नामांकन के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड OFSS की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करना होता है। फ्रेंड ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश किया हूं कि हर जानकारी को क्लियर कर दूं, फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।